हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक डिशम में, और मैं हूं आपका होस्ट गौरव। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम में आए हुए एक नए फीचर के बारे में, जो कि है नेम टैग। अब यहां पर ये नेम टैग है क्या, इसको आप कैसे यूज करेंगे, अगर आपको ये नहीं मिला है फीचर तो आप कैसे इसको इनेबल करेंगे, और ये आपके लिए क्या बेनिफिट्स लेके आया है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ये सब कुछ जानेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका यूज़ आप कैसे करेंगे, यानी कि क्या काम का है ये। तो यहाँ पर आपको आपकी प्रोफाइल में आना है इंस्टाग्राम की, और प्रोफाइल में आने के बाद में आपको ऊपर जो है थ्री लाइन्स दिख रही है, उस पर आपको टैप करना है। उसके बाद में आपको जो है सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखेगा, वो दिखेगा नेम टैग। अब यहाँ पर हम इस पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में आप देख सकते हैं कि आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पर ये जो नेम टैग वाला ऑप्शन है, फीचर है, उसका काम बड़ा ही सिंपल है। इतना है कि आप इससे जो है किसी का नेम टैग स्कैन कर सकते हैं, या फिर कोई आपका ये नेम टैग जो है वो स्कैन करके आपकी प्रोफाइल पे जा सकता है और फॉलो कर सकता है डायरेक्टली। यानी कि आपको अब जो है किसी को यूज़र नेम देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर किसी से यूज़र नेम मांगने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली स्कैन करके जो है बंदे की प्रोफाइल पे जा सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि ये सिमिलर है स्नैपचैट के, क्योंकि स्नैपचैट की कॉपी आप इसे बोल सकते हैं। बट यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कस्टमाइजेशन के, यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको यही स्क्रीन दिखेगी, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि ये जो आपको सामने जो स्क्रीन है, सेल्फी मोड है ये। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेल्फी मोड है, और यहाँ पर जो आपको पीछे बैकग्राउंड में फोटोज़ दिख रहे हैं वो मेरे हैं। तो यानी कि आप यहां पर सेल्फी ले सकते हैं। जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। ओके, तो यहां पर मैं अगर टैप करता हूं रीटेक पे, रीटेक, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मेरा फोटो जो है यहां पर कैमरा ओपन हो चुका है, फ्रंट कैमरा, और मैं यहां से अपना फोटो कैप्चर कर सकता हूं। ओके, तो मैंने अपना फोटो कैप्चर कर लिया और वो यहां पर जो है अप्लाई हो चुका है। अगर आप यहां पर स्क्रीन पर टैप करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो जो फिल्टर्स है वो चेंज हो रहे हैं। मेरे हिसाब से तीन या फिर चार टाइप के फिल्टर्स है, देखिए, है ना। तो ये बात हो गई सेल्फी मोड की, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको इसको शेयर करना है, आपको लग रहा है कि यार मेरा ये कंप्लीट हो चुका है और मैं मुझे किसी को शेयर करना है, मैं किसी को यूजर नेम नहीं सेंड करना चाहता, तो आप यहाँ पर शेयर वाले बटन पर टैप करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से जो है किसी को भी जो है शेयर कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो पूरा स्क्रीनशॉट एज इट इज़ जो है वो चला जाएगा सामने वाले बंदे को। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरे मोड की, जो कि है हमारा कलर मोड। अब यहाँ पर बैकग्राउंड में केवल सिंपल कलर है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर टैप करके कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यही ऑप्शन है, आप यहाँ पर जो भी आपको कलर पसंद आता है तो आप उसको अप्लाई करके शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो मोड है वो है इमोजी वाला। अब इसके अंदर क्या होगा, आपको स्क्रीन पर टैप करना पड़ेगा और यहाँ पर आप इमोजी सेलेक्ट करेंगे कोई भी, तो वो जो है बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाएगी, जैसे कि ये। ओके, अप्लाई करके आपको सिंपली वही शेयर करना है। आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम में। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पर आप स्कैन कैसे करेंगे, स्कैन कैसे पॉसिबल होगा। अब यहाँ पर मेरे पास एक और फ़ोन है, ये रहा। ओके, तो यहाँ पर भी नेम टैग मैंने चालू किया हुआ है। अब मैं अपने इस वाले फ़ोन से इसको स्कैन करता हूँ, तो स्कैन पे आपको टैप करना है सिंपली। ओके, फिर से जाता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा है स्कैन, स्कैन और नेम टैग, तो इस पर आप टैप करिए। हमारा जो बैक कैमरा है वो ओपन हो गया है। अब मैं इसको पीछे रखूँगा लाइक ऐसे, और आप देख सकते हैं जो प्रोफाइल है वो दूसरे फ़ोन की, वो यहाँ पर आ चुकी है। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इसको फॉलो कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर इसे फॉलो कर लिया है। व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करके मैं पूरी प्रोफाइल पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्या है। सिंपली ये स्कैन करने के लिए है, आपकी प्रोफाइल स्कैन करेगा और डायरेक्टली जो है आपकी प्रोफाइल पे सामने वाले यूज़र को भेज देगा। तो बात करते हैं कि ये फीचर आपके फ़ोन में कैसे आएगा, यानी कि आपके इंस्टाग्राम में कैसे आएगा। तो सिंपली आपको आपके इंस्टाग्राम को अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद भी अगर नहीं आता है तो आपको जो है आपका इंस्टाग्राम जो है अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है। उसके बाद में जो है आपको ये फीचर आपके प्रोफाइल के अंदर शो होने लग जाएगा। मेक श्योर अपडेट करने के बाद में आपको आपके इंस्टाग्राम को क्लोज करके फिर से ओपन करना है, और तभी कुछ ही मिनट्स के अंदर आपको ये फीचर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को एकदम से फीचर नहीं दिखे,
तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कुछ मिनट्स का, 4-5 मिनट्स का, और उसके बाद में जब आप इंस्टाग्राम को फिर से ओपन करेंगे तो आपको ये फीचर जो है वो मिल जाएगा। तो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कर दीजिए। मैं गौरव आपको मिलता हूँ अगले और ऐसे ही किसी एक्साइटिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।